अस्सलाम वालेकुम, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग गुड। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हमारा सब्जेक्ट है एलएलपी पार्ट 3 में सीआरपीसी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसका सेक्शन है 173, जिसे हम पुलिस चालान या पुलिस रिपोर्ट भी कहते हैं, या चालान अंडर सेक्शन 173 भी कहते हैं। ये मैं आज आप लोगों के साथ डिटेल में इस सेक्शन की ईच एंड एवरी थिंग आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, आप लोगों को समझाऊँगी कि 173 का जो चालान होता है या जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो बेसिकली होता क्या है। तो जो 173 का चालान होता है, पुलिस चालान, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसके 7 कॉलम्स होते हैं। चालान क्या होता है, किस तरह का होता है, पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। चालान के 7 कॉलम्स होते हैं, इसकी अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, हम देखते हैं चालान होता क्या है। चालान इज़ अ पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी अबाउट द इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट बाय द पुलिस। 173 का चालान बेसिकली क्या होता है, पुलिस की एक रिपोर्ट होती है, पुलिस अपनी एक जो रिपोर्ट प्रिपेयर करती है उसे हम कहते हैं जी ये चालान है अंडर सेक्शन 173। इट इज़ प्रोड्यूस्ड टू द इलाका मजिस्ट्रेट थ्रू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जब पुलिस अपना चालान, अपनी रिपोर्ट जो है प्रिपेयर कर लेती है, तो ये किसको प्रोड्यूस किया जाता है, इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस अपने उस चालान को या उस रिपोर्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, पुलिस के चालान के थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसके थ्रू पुलिस चालान जो है या पुलिस रिपोर्ट जो है अंडर सेक्शन 173 को इलाका मजिस्ट्रेट को प्रेजेंट किया जाता है। रेलिवेंट प्रोविजन में इसका आ जाएगा जी 173 सेक्शन सीआरपीसी। फिर इन्वेस्टिगेशन का हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन बेसिकली होता क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 I, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर बाय एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन द बिहाफ बट नॉट द इन दिस बिहाफ बट नॉट द मजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है जी, एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए जितनी भी प्रोसीडिंग्स पुलिस की तरफ से की जाती हैं उसे हम कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पुलिस जो है वो केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। फिर आ जाता है जी पुलिस रिपोर्ट और चालान अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी। सेक्शन 173 सीआरपीसी ऑर्डेन्स दैट इन्वेस्टिगेशन शैल बी कम्प्लीट विदाउट अननेसेसरी डिले। इन्वेस्टिगेशन एज सून एज पॉसिबल जो है पुलिस वालों को कम्प्लीट करनी होती है, एंड ऑन इट्स कम्प्लीशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सेंट द रिपोर्ट टू इलाका मजिस्ट्रेट। और जब पुलिस ऑफिसर अपने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लेता है तो डिले किए बगैर या मजीद टाइम लिए बगैर वो क्या करता है, उस रिपोर्ट को इलाका मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को सेंड कर देता है। फिर नीचे आ जाएगा जी इंटरिम रिपोर्ट और चालान। इंटरिम कहते हैं अबूरी को, अबूरी रिपोर्ट को। इफ़ द इन्वेस्टिगेशन हैज़न्ट बीन कंप्लीटेड विद इन 14 डेज ऑफ द एफआईआर अंडर सेक्शन 154, सेक्शन 154 सीआरपीसी है एफआईआर का। अगर एफआईआर दर्ज होने के बाद 14 दिन के अंदर पुलिस ऑफिसर अपनी तफ्तीश, अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं करता, उसका आगे फर्दर क्या प्रोसीजर होगा, देन कंसर्न पीओ कहते हैं पुलिस ऑफिसर का, देन कंसर्न पुलिस ऑफिसर विद इन 3 डेज ऑफ द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड फॉरवर्ड द मजिस्ट्रेट थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड इंटरिम रिपोर्ट। सिंपल मैं आपको इसका बता देती हूँ जी, एफआईआर रजिस्टर होने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है। अगर पुलिस ऑफिसर 14 दिन के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करता तो फिर 14 दिन एक्सपायर होने के बाद नेक्स्ट 3 डेज के अंदर अंदर उसने क्या करना होता है, इंटरिम रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट को। देन द कोर्ट शैल कमेंस द ट्रायल ऑन द बेसिस ऑफ सच इंटरिम रिपोर्ट अनलेस द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद या वजह लिखने के बाद कि क्यों पुलिस ने जो है 14 दिन के अंदर अंदर अपना चलाने अपनी रिपोर्ट जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू सबमिट नहीं करवाई, वो रीजंस लिख के कोर्ट क्या करेगी, जो इंटरिम रिपोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू जमा करवाई गई है, जो चलान जमा करवाया गया है, उस इंटरिम चलान पर ही कोर्ट जो है ट्रायल को स्टार्ट कर देगी। कमेंस द ट्रायल, कमेंस का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट करना। फिर देख लेते हैं जी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ चालान। द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी इज टू बी इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो एक स्पेसिफिक फॉर्म प्रिस्क्राइब किया है उसकी फॉर्म में चालान होता है। दैट फॉर्म हैज़ फॉलोइंग 7 कॉलम। जो 173 का पुलिस चालान जो होता है उसके टोटल 7 कॉलम्स होते हैं। अब देख लेते हैं जी ये 7 कॉलम्स जो हैं वन बाई वन हर कॉलम में क्या क्या चीज़ होती है। फर्स्ट कॉलम में आ जाता है जी नेम ऑफ द इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट कहते हैं इतला देने वाले शख्स को, कि अगर कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है, कोई जुर्म हुआ है, उसकी इतला जिस शख्स ने दी है उसका नाम आ जाएगा। सेकंड कॉलम में आ जाएगा
नेम्स ऑफ द पर्सन हु हैव नॉट बीन चालान, वो लोग जिनको चालान नहीं किया गया, जिनका नाम चालान में मेंशन नहीं है, एंड इंक्लूड्स द नेम ऑफ द पर्सन एब्सकॉन्डिंग, उन लोगों का नाम आएगा। एब्सकॉन्डिंग कहते हैं भागने वाले शख्स को, मफरूर या भागा हुआ शख्स। थर्ड में आ जाएगा नेम ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, मुलजिम जो होंगे उनका नाम आ जाएगा, हु हैव बीन चालान, जिनका नाम चालान में एंट्री है एंड आर इन कस्टडी, और जो पुलिस की कस्टडी में है। फोर्थ में आ जाएगा नेम्स ऑफ द पर्सन हु हैव बीन चालान बट आर ऑन बेल, वो लोग जिनके अगेंस्ट चालान किया गया है, जिनका नाम चालान में मेंशन है और लेकिन वो बेल पर हैं। फिफ्थ में आ जाएगा डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी रिकवर्ड, अगर कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने रिकवर किया वो आ जाएगी, उसकी डिटेल्स प्रॉपर्टी की। और सिक्स में आ जाएगा नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस, जो हमारी प्रोसिक्यूशन है उसके जितने भी गवाह हैं, विटनेसेस हैं, उन सबका नाम आ जाएगा। सेवन्थ में आ जाएगा जिस स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स अलोंग विद ओपिनियन ऑफ द टेन एंड ऑफेंसेज इन द ओपिनियन ऑफ द टेन हैव बीन कमिटेड, जितनी भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कहते हैं केस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे, जितने हकाइक होंगे जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखे होंगे, उन सब की एक जो है स्टेटमेंट फैक्ट्स की वो आ जाएगी सारी। तो टोटल ये 7 कॉलम थे जी। ये 173 का होता है चलान, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सीआरपीसी का। अक्सर इसका मुताबिक क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट जुडिशियल एग्जामिनेशन में या फाइनल एलएलबी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको इस सेक्शन की डिटेल में समझा दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।